हाय गाइस वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट हम स्टैंड अप कॉमेडी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है आपने इनको अक्सर हाउडी के एड्स में देखा होगा राउडी डू के नाम से बाहर ये जितने अनपढ़ नज़र आते हैं इतने हैं नहीं काफ़ी ज़्यादा इंटलेक्चुअल बने हैं गवर्नमेंट में सर्व कर चुके हैं इनटॉमिक एनर्जी में भी एंड यू डिड योर मास्टर्स इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए हज़ारों मेडल्स मैं कहूँगा कि हज़ारों इनकी 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 जिस्म की जीनत बने <laughs> <laughs> और, और उस सब के बावजूद आ, इन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ें भी मैंने नहीं करनी अब मैं म्यूज़िक करूँगा तो म्यूज़िक शुरू किया पाकिस्तान का पहला स्ट्रीट बैंड आ, जो है वो वजूद में आया एंड माशा ही परफॉर्म विद योर बैंड पूरे पाकिस्तान में रिसेंटली एंड स्टैंड कॉमेडी की वजह से तो आप इन्हें जानते ही हैं थैंक यू सो मच हनान थैंक यू सो मच फैसल फॉर आपने हमारे लिए टाइम निकाला वक्त निकाला नहीं नहीं बस इतना वक्त पड़ा हुआ निकालना पड़ता है फिर मुझे तो मुझे डर लग रहा था कि स्टैंड अप कॉमेडियन तो शायद कहें कि पॉडकास्ट भी खड़े होके कहना <laughs> <laughs> नहीं मैं तो स्टैंड अप भी बैठ के करता हूँ आप अच्छा हाँ मुझे एनजाइटी होती है खड़े होके उसकी क्या वजह खड़े होके होता नहीं है मुझसे उम्र का तकाजा है या इतनी ज़्यादा कर लिया कि अब आपसे होता नहीं है खड़े होके कभी कभार खड़े होकर भी कर लेता हूँ डिपेंड करता है कि पर आगे जो ऑडियंस है वो है? है? और ऑडियंस कैसी है चलें ये तो हमारी खुशकिसमती है आज आप बैठ के कर रहे हैं जी बस आप जैसे मिलेंगे ऑडियंस तो बैठ के करना ही करना पड़ेगा जी बिल्कुल जस्ट गेव योर इंट्रोडक्शन सो स्टिल लॉड ऑफ थिंग्स यू नो जो मिसिंग है कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि हनान की एक यू you नो know, एक एकेडमिकली साउंड बंदे से ये ट्रांजिशन कैसे हुई आर्ट्स की तरफ और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ सबसे तो पहली बात तो मैं ये करता दूँ कि एकेडमिकली साउंड से ट्रांजिशन होने का मतलब ये नहीं है कि ही इज़ नो एकेडमिकली साउंड एक आर्टिस्ट भी एकेडमिकली साउंड हो सकता है, है।, <laughs> है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली हमारे आर्टिस्ट हैं जो अच्छी बात है कि मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई नेवर था अबाउट इट मैं तो उसी तरह बचपन में अम्मी अबू ने कहा था एक मॉडल कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ और स्कूल मेरा मॉडल कॉलेज था और वही मुझे ऑप्शन मिले थे या आप इंजीनियरिंग कर लें या आप बायोलॉजी रख लें और मैंने जो है वो एक दोस्त मेरे जब याद आया था मेरी तरफ और उसने आके मुझे दिखाया था कि ये इतनी मोटी मैथ्स की किताब है और इतनी मोटी जो है वो बायो की बायो की किताब है तो मैंने बस साइज़ देख के ना मैंने कहा था मैं मैथ्स रखूँगा वो अच्छा। लगा बात है कि जब मैं एकेडमी गया तो वहाँ पे सिर्फ वो जो मैथ्स की किताब थी वो खाली क्वेश्चंस की थी उसकी इतनी मोटी की की किताब थी अच्छा। पर एनी मैंने इंजीनियरिंग कर ली इंजीनियरिंग करने के बाद एडमिशन हो गया मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर वहाँ पर मटीरियल साइंस शुरू कर दी और वहाँ पे जाके जब एकदम से बंदे का दिमाग खुलता है कि भाई ये तो दुनिया ही कुछ और है मतलब आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है पढ़ाई के अलावा तो फिर मैंने हर जगह जहाँ पे मुझे मिलती थी मिलता था चांस मैं वहाँ पे टांग अड़ाता था चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो आर्ट्स हो और बस वहाँ से शुरू हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छा इवन इन द स्पोर्ट्स वाली जो फ़ेज़ थी आपकी उसमें आपने पंद्रह के करीब गोल्ड मेडल मारे हैं <laughs> यूनिवर्सिटी में तो <laughs> वहाँ पे किसी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगा यार मुझे पढ़ाई छोड़ के यही काम करना चाहिए मेरे अंदर ना बचपन से कीड़ा था मतलब मेरी अम्मा भी मुझे कहते थे कि तुम हर जगह टांग अड़ाते हो ये वही कीड़ा है वो ही वो कीड़ा जो था था ना बहुत कि मतलब कोई भी चीज़ कर लो मुझे कभी भी नहीं होती थी मतलब मुझे कोई सेटिसफेक्शन नहीं मिलती थी तो मैं कभी क्रिकेट में गया हूँ मैं मुझे भी याद है टू के अंदर अंडर नाइनटीन के ट्रायल्स थे और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था अंडर नाइनटीन में इस्लामाद की तरफ से और फोर्थ अक्टूबर टू के अंदर मेरा कैंप लग रहा था नेशनल स्टेडियम लाहौर में और उसी दिन मेरी ओरिएंटेशन थी यूनिवर्सिटी में तो मेरे अम्मा बाप ने कहा था कि आप पढ़ाई करें इंजीनियरिंग करें तो तब से मेरे अंदर था कि नहीं ये ये वाला कीड़ा नहीं मरना चाहिए यूनिवर्सिटी में गया क्रिकेट किया क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया क्रिकेट खेलने शुरू कर दी साथ ही टेबल टेनिस है ना पाकिस्तान में तो हर मतलब अगर आपने चेक करना लोडा पाकिस्तान से के नहीं तो उसकी पेस एक 140 से ऊपर होती बिल्कुल ऐसी मेरी एक होती थी इतनी टेनिस की बॉल पे अच्छा जो है वो हाँ फिर यूनिवर्सिटी में जाके डिफरेंट स्पोर्ट्स होते गेंदों से फर्क पड़ता गेंदा से बिल्कुल फर्क पड़ता है इसमें कोई डाउट नहीं है और बल्ले के साइड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर उस बात लॉन् टेनिस खेलने शुरू कर दी डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल एक स्पोर्ट्स खेलता था उसमें मेडल आ गया फिर अगली स्पोर्ट्स आ जाती थी वो अगले उसमें मेडल आ लेता तो मैं बस कहता कि बस किसी तरह मैं खेलता रहूँ बस खेलता रहूँ और ये बात में थोड़ा बहुत डायग्नोज हुआ कि मुझे ए असल में मुझे किसी चीज़ से सेटिसफेक्शन नहीं मिलती तो वो मेरी काफ़ी अच्छे उसके अच्छे पेशेंट हैं बिकॉज मैं जितने लोगों से मिला जिनको ये मसला है वो कुछ भी नहीं कर पाते वो नल्ले होते है के। वो अब आ नहीं कर पाते फ्लो फ्लो हाँ। like, AD, आपको ना एक मुझे जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ मुझे पता है कि मैंने एक मेरा अल्टीमेटी गोल है कि मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी पास करनी मैंने थ्री सी ऊपर जी पी ए लेना उसके साथ आप करते रहते हो जब आप

गया मास्टर्स के बाद मैं जॉब लगी गवर्नमेंट जॉब लगी मेरी और वहाँ पे भी मैं एक्सेल करता रहा अच्छा काम शाम किया एटीन ग्रेड ऑफिसर हो गया और कुछ अर्से बाद वहाँ पे मुझे स्टेगनेट फील हुआ जबकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर हमारे होता है और गवर्नमेंट जॉब जब दो तो तीन साल गुजर गए तो मैंने करना ये मज़ा नहीं आ रहा कुछ कुछ और भी साथ साथ होना चाहिए तब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना अच्छा। शुरू की और मैंने कंटेंट जो है मोस्टली मेरा मुझे भी याद है मैं स्टैंड कॉमेडी का सारा कॉन्टेंट ऑफिस में बनाता था अच्छा मतलब ऑफिस के अंदर बैठे होते थे कभी चाय के ऊपर बैठे हुए हैं डिस्कशंस चल रही है डिफरेंट तो मैं वहाँ पे मोबाइल निकाल के अपना कंटेंट वगैरह लिख लेता था कि यार ये क्या सेट लाइफ चल रही है यहाँ पे उसके बाद फिर स्टैंड अप कामेडी शुरू की उसके बाद फिर कोविड आ गया कोविड में आप स्टैंड अप कामेडीज हमारी बंद हो गई थी तो आप क्या करें ऐसा कि जो मतलब थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक भी हो तो फिर मैंने म्यूज़िक सोचा मेरे कुछ फ्रेंड्स थे दे प्ले गिटार और उस वक्त मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं आता था तो मैंने शेकर लिया और मैं शेकर के साथ छान 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 अच्छा, ये वो शेकर है कि छंकड़ा बजाता चंकड़ा बजाते। मैं छंकृष्ट था अब मैं प्रकश पहले मैं छंकर होता था तो मैं छंकड़ा बजाना शुरू कर दिया उनके साथ करते 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 हमने एक बैंड बना लिया मलंगा नाम है उस बैंड का और, और ये नाम कहां से है आप लोगों की जो वाइब थी उसकी वजह से बिल्कुल जो हमारी वाइब थी हमारी जो हरकतें थी मलंगो वाली क्योंकि हम हर जगह जाके ना डिफरेंट कैफ़ेज़ में जाके परफॉर्म करते थे और कहीं पे जाके बैठे हुए गाड़ियों में हमने रखे हुए इंस्ट्रूमेंट पर जाके निकालो और शुरू हो जाओ तो वहाँ से और ऊपर से कोविड का टाइम चल रहा था तो मोस्टली जैम हमने फिर मजबूरी के अंदर घर के अंदर कर लेते थे कि हम बस कहते हैं कि हम पाँच को तो कोविड होगा तो कोई मसला नहीं तो हमने वो जैमिंग वगैरह वहाँ पे की तो और मेन चीज नहीं था कि मतलब किसी ने भी प्रोफेशनली सीखा बने था सीखा अच्छा। था तो हम लोग जो है बस खुद ही जो हमें साउंड अच्छा लगता था एक गाने को इसके साथ मिला दिया मेन हमारा इंस्ट्रूमेंट रबाब होता है तो हम रबाब को वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ बजा रहे हैं और जो हमें समझ आई हमने वो म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता फिर कैफेज़ के बाद हमें कॉर्पोरेट इवेंट्स मिलना शुरू हो गए फिर टीवी से बुलाना शुरू कर दिया और बस इस तरह गेम शुरू हो गई हमारी Hmm. So वो जो है, वो है. हाँ वो नहीं ख़त्म होता उसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये कब जाके जो है ना ये ख़त्म होगा तो मैं बड़ा उस, मतलब जो भी चीज़ गोल रखा अचीव करता गया करता गया करता गया मैं अभी लास्ट दिसंबर में थर्टी का हुआ हूँ ये काट दीजिएगा चलो कोई ना <laughs> लास्ट दिसंबर थर्टी का हुआ हूँ और थर्टी के बाद ना आपको डिफरेंट एक हिट आती है ना कि जैसे आपकी लाइफ रिवर्स में चलने शुरू है, अच्छा कि जैसे बस थर्टी तक आपने ओवर जाना है उसके बाद अब जो है आपने सेफ्टी करनी है अच्छा हाँ थर्टी से फोर्टी मैंने कैरियर बचाना है और मैंने कुछ ऐसा करना है कि नहीं, नहीं, करनी बच्चे है, रखने, रखने, है। रखने का क्या मतलब क्या बच्चे पैदा करके फेंक भी तो सकते आप रखते बच्चे रखने ये तो कुछ लोग बचपन से शुरू कर देते हैं मुझे <laughs> नहीं पता आपका क्या शौक है मेरा ऐसा शौक़ नहीं था बच्चे रखने का <laughs> मैंने रखना भी होता <laughs> तो मैं हो ही प्रेफर करता अच्छा तो हाँ मतलब आप उस तरह सेटल होने की तरफ आप चले तो मैं कह रहा हूँ कि यार ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन तक पढ़ाई करते रहे जॉब करते रहे कि अब थोड़े बहुत पैसे जब आने शुरू हुए हैं तो अब बंदा क्रिएटिव की तरफ आए तो बंदा देखता है कि अच्छा अब तो पीछे से डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आने शुरू हो गया ये तो ए आई आ गया है चैट जी बी टी आ गया है हाँ। और अब मैं कैरियर को बचाऊँ अपना कि मैं अपने फोर्टी के बाद मैंने रिटायर होना है या मैं जो हूँ वो क्रिएटिव साइड को अपना एक्सप्लोर करूँ तो वो आपको पता ही नहीं चलता वो आप कब से स्विच करते हो कब आप स्विच कर जाते हो उस चीज़ को और पाकिस्तान के अंदर यही आलमी है कि आप मतलब फाइनेसिस तो आपने देखने ही देखने हैं फाइनेसिस के साथ आप जब जैसे क्रिएटिव वाली साइड लेके आते हो तो आपको वो रूम नहीं मिल रहा होता कि आप किस जगह जाके मैं पैसे कमा लूँगा ठीक है अब जाके ठीक है यूट्यूब ने आना शुरू की यूट्यूब से आपको पता है कॉन्टेंट क्रिएट शुरू मोनटाइज स्टार्ट होगी है लेकिन उसमें भी टाइम लगता है और हम लोग जो हैंड टू माउथ वाले बंदे थे कि भाई हाँ जी अगले महीने कैसे करना है किराया कैसे करना है बिजली कैसे पूरी करनी है उसके लिए कंटेंट बना के इतना लंबा वेट करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अब जो है वो अब मैं थोड़ा बहुत ये सोच रहा हूँ कि नहीं लाइफ को अगर आप इस तरह देखो कि भाई जो भी है अगर आप डेथ पेट के ऊपर हो तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि भाई मैंने ये ट्राई नहीं की तो वो जो मर्ज़ी आप इस टाइप बड़े यूट्यूबर्स देख रहे हो कंटेंट क्रिएटर देख रहे हो उन ज़रूर उन सब पे ज़रूर ऐसा टाइम आएगा जिन्होंने कहा है कि भाई आप ज़रा सेटल डाउन और बैठ के अपनी फुल अपने आप को एक्सप्लोर करो और व्हाट यू रियली कैन डू के अब मेरे अंदर वही वाली चीज़ है कि मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ मैं ये भी कर सकता मैं ये भी कर सकता मैं ये वाला कंटेंट कर लेता हूँ और आप जो है बस पूरे तीन चार घंटे स्क्रॉलिंग करते हो अच्छा ये वाला कंटेंट बना ये भी बना सकते हैं अच्छा ये ऐसा बना रहे हो अच्छा ये बना लेता हूँ मैं और आप अपनी नीच नहीं ढूंढ रहे होते तो वो नीच ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और अल्टीमेटली आई फील लाइक कि कॉमेडी म्यूज़िक एक्टिंग ये ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे अपनी अब नीच मिलती है अच्छा वैसे देखो हम हम ज़्यादा फनी हैं या इंडियंस ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा फन <laughs> <laughs> मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उन कॉमेडियंस का ये एक दो बड़े अच्छे कॉमेडियंस हैं लेकिन आ, मतलब उनका दूसरी तीसरी वीडियोस आती हैं तो बंदा मैं देख रहा होता है का। जो कब आएगा भाई जो कब आएगा और मसला यही है कि मतलब हमें स्ट्रक्चर नहीं मिला ना अगर हमें सिर्फ स्ट्रक्चर मिलना शुरू कर देता मिल, 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 जाता, मिल जाता, हा, जाता हाँ स्ट्रक्चर मिल जाता तो हम लोग काफ़ी बेहतर मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है मतलब इवन ही जो हमने स्टैंड अप कॉमेडी कॉमेडी स्क्र पाकिस्तान फ़हीम भाई फ़हीम भाई फ़हीम भाई के साथ जो हमने स्टार्ट किया और वो बिल्कुल ऐसे ही था कि हम लोग दो तो तीन चार बंदे थे और हमने एक ग्रुप बनाया और अब करते करते ट्वेंटी फाइव थर्टी फोन किया लेकिन आपको खुद ही इधर इनिशिएट ले, इनिशिएटिव लेना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर काम करना है ख़ुद कॉन्टेंट बनाना है ख़ुद ही रिव्यू करके हम लोगों ने तो और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में हमने दो ढाई साल परफॉर्म किया है और दो ढाई साल बाद जब हमने सारे पैसे इकट्ठे किए तो पर बंदे हर किसी को ढाई ढाई हजार नहीं मिलती और अब आप ये कह दो कि नहीं ये जो कहते हैं नहीं आर्ट जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई ऐसे नहीं होता हम आर्टिस्ट भी जो होते हैं हमने भी एक लाइफ स्टाइल बनाना होता है हमारे भी घर में बिल्कुल दाई सीन दाई हैं और आपने आपने कपड़े पहने जिंदा रहना है खाना है सही बात वो और अगर आप सही कप कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको कोई समझता नहीं इंसान बेशक आप जितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो सही बात है भाई <laughs> 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 जीवन में थाना कितना दिन पूरे करने का राटा नहीं है तो <laughs> <laughs> या मतलब इट्स अ स्ट्रगल पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है और uh, लेकिन स्टिल मतलब होपलेस नहीं होना चाहिए और uh, इसलिए मैं इस पर एक शेयर कहूँगा जरा नम जरा नम हो मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी जरा नम हो मिट्टी तो बड़ी, तो बड़ी जरखेज है, है साकी आप आस आ रहना चाहे कोई ख्वाहिश बाकी आप आस आ साकी साकी, साकी 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 तो <laughs> बासित इसको काटो इसमें से इसमें से एक क्लिप बनेगा सोशल मीडिया के जिसमें पीछे गाना लगेगा और इमरान हाशमी भी आएगा सो so, so, अगर आप बात करें इंडियन uh, कॉमेडियंस की बिकॉज हमारे सबसे करीब वही है बिकॉज ऑफ लिंगो उनकी वर्थ है अभी इंडस्ट्री में वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इं टू राइटर्स यू सी वरुण ग्रोवर वो स्टैंड अप कामेडी भी कर रहे हैं ही इज़ ऑल्सो राइटिंग फॉर नेटफ्लिक्स नाउ उसके अलावा और कई लोग हैं हैंमज़ोन पूरी एक फ्रेंचाइज खुली हुई है स्टैंड अप कॉमेडियंस की हाउ यू सी दैट वाई इट्स नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ के वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पर कभी कोई सेट पैटर्न ऑफ कॉमेडी बना ही नहीं है बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडीज़ यू कैन कुरेक्ट मी लाइक वन इज़ जिसमें झुकते चलती हैं वो स्टेज ड्रामे चल रहे थे उससे पहले वो uh, उमर शरीफ होते थे मोइन अख्तर होते थे उसके बाद अब एक ये नई लॉट आई है जिसमें ताबिश वगैरह हैं और वो एक वो कल्चर शुरू हो गया था ख़बरनाक टाइप सो हाउ हाउ यू सी द डिफ्रेंस इन हाउ यू सी के द इज़ अ पॉसिबिलिटी टू एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए ताकि जो कॉमेडियन है वो घर हैव समथिंग फॉर देयर होम्स वेल मेरे ख्याल में हम लोग अभी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि जिस प्रोसेस से इंडियन से गुजर चुके हैं अच्छा हम लोग का पहले वो, वो वाला स्टेज वाला एक कल्चर था वो हमारा अभी भी स्ट्रॉग है वो कल्चर एक स्ट्रॉ चीज़ है लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी वाली चीज़ जो है ये मेरे ख्याल में बिल्कुल एक नहीं है और हमने भी लिखी जरवेज हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह देख के हमें पता चला कि अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी भी एक चीज़ है और उसके ऊपर भी एक्सेल कर सकते हैं क्या आप खड़े होकर कर सकते हाँ <laughs> 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 कुछ बैठ के भी करते हैं तो उसके बाद हाँ लेकिन उसमें यही था कि जो स्टैंड कॉमेडी है ना वो एक परस्पेक्टिव है आपका और क्योंकि हमारी कॉम के अंदर जो है वो बर्दाश्त की थोड़ी कमी है ठीक है स्टैंड कॉमेडी आपने अगले बंदे का परस्पेक्टिव को एब्सार्व करना अच्छा। है ठीक है कि आप मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैंने कुछ जुकते मार दिए मतलब वो सिमिलर आप वो एक वन काइंड ऑफ के मैं तुम्हें जुकट मार दूटा मैं मैं हूँ मैं काला हूँ उसकी नजरों से दुनिया देखी है और वो जब आती है तो वो एक पाकिस्तानी के लिए एब्जॉर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा हाँ ये ऐसे बात कर रहा है लेकिन इसके पीछे तो इसका ये ये बात ये ऐसे करना चाह रहा है ये बात तो मुझे तो ये तो वो अगर अलाइन नहीं होती तो वहाँ पर मैंने ख़ुद शो इसके अंदर देखा है कि हंसी रोक रहे होते हैं वो के लाइक कि वो दैट्स वाई मोस्टली जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है वो अंधेरे के अंदर होती है ताकि आप एक दूसरे को देख के ये ना कहें कि हो oh, मैं इस जोक पे हंस के हों ये तो नहीं हंसना चाहिए था ये वो तो स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो आपका पर्सपेक्टिव है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है जो आप बता रहे होते हैं और वो डिफरेंट बंदों के डिफरेंट हो सकती है ताबिश मोइज़ नाम है उसका पाकिस्तान एक्सपीरियंस वालेगा क्या क्या नाम है आ, शहजाद शहज शे, शे, खया, हाँ। तो मतलब ये सारे उस जगह से गुजरे हैं और उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं उन्होंने बहुत सारे आ, मतलब लोगों ने तंग भी किया लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स कॉमेंट किया लोग तंग कहाँ से कर सकते हैं तो खुद उसकी बजा रहे थे पकड़ के वो क्या नाम है उसका मुजमिलजमिल वो बेचारा रोने वाला हो गया यार ऐसे कौन करता किसी के साथ मुझे एक बहुत तो अपने मुझे घर में बुलाया उपन... मुझे मुझे बहुत मजा आया था उसके अंदर किसम से <laughs> और शहजाद भाई ने कोई मुंह भी नहीं धोया उस दिन पॉडकास्ट में ऐसे वो नहीं, 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 नहीं। शहजाद भाई का बात उनका तरीका यही है तो हाँ मतलब ये सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो वाकई अब अगर आपने मैसेज की तरफ जाना है तो वो मैसेज के लिए आपको टीवी पे ही पाकिस्तान में आना पड़ता है अच्छा ठीक है पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मतलब एक्सेसिबिलिटी मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान के अंदर ट्वेंटी परसेंट या फिफ्टीन परसेंट इंटरनेट है या ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो वो आपको फिर टी वी ऐसी जगह कोने कोने पर नजर आए तो वो ताबिश को आई रिस्पेक्ट ताबिश के जिस तरह वो स्विच किया उसने मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन और जिस तरह का वो कॉन्टेंट जियो के अंदर अब कर रहा है और कितने सटल वे में कर रहा है मतलब उसने बहुत सारे रास्ते हमारे लिए आसान कर दिए और साथ ही मैं महरू मैं इस को जो है वो उसका रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिस तरह हमेशा उसने मुझे एक आ, एक लिमिट बताई है कि जहाँ तक वो करता है, मैं कहता अच्छा अगर महरू ने यहाँ तक कर लिया तो मैं तो इधर तक तो मैं कॉन्टैक्ट कर ही सकता द या, या, या दो दो okay. तो उसका अगर आप मैंने लाइव शो टू के अंदर दीना चटनी के नाम से उसने एक शो किया था और मैं वहाँ पे गया था वो ड्रैग क्वीन बनके उसने शो किया था और उसने मतलब उसके शो के अंदर बेशक थोड़ी बहुत पाकिस्तानियों के वलगरिटी होगी सब कुछ होगी लेकिन जो इनर जो उसके अंदर जो बातें होती थी ना वो इट रियली हिट्स में कि वाकई यार आप बहुत सारी बातें क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सीधी सीधी बात किसी को कह दो ना तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती और उसको आप कॉमेडी कॉमिक वे के अंदर करो तो आप हंसते हंसते कभी कभार कोई चीज़ आपके अंदर बैठ ही जाती है तो इस लिहाज से मुझे कॉमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा सोर्स लगता है कि जो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर वो सारी चेंजेस लेके आ सकता है जो कि आप सीरियस बातें सुन के नहीं कर सकते तो या मतलब वो फिर आपको टीवी की तरफ आना पड़ता है और फिर टीवी के अंदर जाके आपने वो क्राउड बना लिया उसने तब इसने बना दिया कि हाँ भाई ये वाला इस तरह का जोक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं टी वी के ऊपर बैठ के जियो के ऊपर बैठ के वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है या वो हाँ बहुत अच्छे जोक होते हैं मतलब अंडर द बेल्ट नहीं तो लेकिन बेल्ट हाँ, के करीब ही होते हैं बेल्ट के, नहीं के नहीं। करीब ही होते हैं मतलब जिप शिप के पास होते हैं लेकिन हो जाते हैं चलते हैं उसके तो हाँ। अगर उस कंटेंट कॉन्टेंट मेरे ख्याल में उसका एक टीवी का लहदा होता है और एक फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर भी हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हाँ, है आते हैं तो हाँ मतलब मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई पाकिस्तान के अंदर चेंज लाना चाहते हैं जो कि बहुत बड़ी बात लग रही है मैं ऐसे जैसे मैं आगे जाके पॉलिटिशियन बनने लगा हूँ या कोई लेकिन कॉमेडी जो है रही <laughs> रादा था इलेक्शन पर लेकिन वो माने नहीं है <laughs> <laughs> तो कॉमेडी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और ह्यूमर हमारा नो डाउट कि मतलब अखीर का ह्यूमर है हम लोगों का और mm. उसकी रीज़न यही है कि ह्यूमर तभी बनता है जब आप कुछ मीनिंग निकालना चाह रहे होते हो आप जब किसी मिज़री के अंदर होते हो ठीक है आप उस मिजरी को आप कन्वर्ट करते हो अपने लिए एक जॉयफुल चीज़ बनाने के लिए ठीक है कल जी बीस रुपए आलू थे आज चालीस रुपए आलू हो गया हाँ हाँ वो फलाना ये हो गया ये हो गया वो बस अब अपनी ना किसी तरह करने के लिए आपने वो डोपामीन अपना डंडलीन रश करना है करने को नीचे करना है आपने बस उसको करने के लिए आप उसमें से जोक निकालते हो बेशक बाहर जाके हा, हा 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 कर रहे हैं वापस जाके घर जाके तपे भी होंगे ये क्या हो रहा है लेकिन वो अपने आप को ना सुकून देने के लिए तो डिप्रेस कॉम है हमारी जिसको हमने जिसकी वजह से हम ज़्यादा बेहतर कॉमेडियन बन गए शायद हम इंडियन कम डिप्रेस हैं बिकॉज जितनी वहाँ मांग है स्टैंडर्ड कॉमेडी की यहाँ पर नहीं है वहाँ मांग का क्या मतलब है मतलब वहाँ पर लोग अगर कॉपरेट जॉब्स कर रहे हैं और सारी चीज़ें रहे हैं दे गो टू तो वॉच शोज रेगुलरली और एक वहाँ पर प्रॉपर कह लें एक

तो आपकी अफोर्डेबिलिटी भी है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो और आप मतलब मैं वापस घर जाऊंगा मैं छः बजे जा रहा हूँ मैं सात बजे जा रहा हूँ तो मेरे लिए एक लेजर है कि मैं जाके कॉमेडी सुनूं और मैं जाके हंसूं तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में ज़रूरत ज़्यादा है और ऊपर से फिर हमारे अंदर एक और चीज़ होती है कि हम खुद सारे कॉमेडियन होते हैं ओ तो मैं खुद कर लेना क्योंकि जोक मारे है मैं बताता हूँ वो फैसला बात हो फलाना सी सीओ फलाना सीओ इस जोक yeah. तो वो उनको कॉमेडी देना और इतनी वैरायटी है इतनी वैरायटी है कि लिटरली कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं शो पे गया हूँ मैं एक कॉन्टेंट बना के गया हूँ मैंने जाके ऑडियंस देखी है और मैं चला गया मैंने कहा भाई मेरा आखिरी नंबर रख दो मैं गाड़ी में जाके कंटेंट बना के आ रहा हूँ क्या आपने इधर ऑडियंस को देख के आपने क्या आप तो कि हाँ ये वाले जोक्स तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पर रिलेटिबिलिटी आपको होनी चाहिए और इसकी वजह से मेरे ऊपर एक बड़ा फेज़ भी आया था कि जब मैंने शुरू में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू की थी तो मैंने कहा था कि मैं सोशल इश्यूज़ पे काम करूँगा मैं थोड़ा बहुत रिलीजन को टच करूँगा थोड़ा बहुत सेक्स एजुकेशन को टच करूँगा और वो कर कर के वो शुरू में जब मैं करता था तो वो लोग थोड़ा ऑफेंड होते थे कि यार ये कैसी बातें कर रहा है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है और कर करके फिर स्पेशली फ़हीम भाई वगैरह ने एक एटीन प्लस वाला शो बनाया फिर उसे जाकर मेरा रिलैक्स होता था फिर मैं दरमियान में मैंने कहा छोड़ दूँगी यार मतलब मैं वो वाला कॉन्टेंट करूँ कि जिससे मुझे कन्फर्म पता है कि लाफ्टर आएगा ठीक है मुझे पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफोबिक हैं तो मैं ट्रांसफोबिक वाला जोक करूँगा तो हंसेंगे अगर मैं ट्रांस के फेवर में जोक करूँगा तो वो नहीं हंसेंगे और वो मुझे जज करेंगे सेक्स एजुकेशन के ऊपर करूँगा अगर मैं ऐसी बात करूँगा तो ये हंसेंगे अगर मैं ऐसी बात नहीं करूँगा तो ये नहीं हंसेंगे तो ये तो मैं अपने आप से एक झूठ बोल रहा हूँ कि मैं वो कॉन्टेंट नहीं करना चाह रहा जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन स्टिल आहिस्ता आहिस्ता दो ढाई साल लग गए आहिस्ता आहिस्ता अभी वो क्राउड इस्लामाबाद की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कराची के अंदर रियली गुड लाहौर में भी बेहतर क्राउड इस्लामाबाद के अंदर हमने वो क्राउड थोड़ा बहुत बनाया और विद थोड़ी बहुत ताबैश और इन सब के बाद वो थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी अब आना शुरू हो गई है कि थोड़ा क्वेश्चन मेरा थोड़ा समीना पी ज़्यादा टाइप साउंड करेगा बट लेकिन कभी नहाते हुए शैम्पू गिरे आपसे कौन स्लिप हुआ है कभी हाथ जी बिल्कुल क्वेश्चन इज के वो जो हनान दुनिया को नजर आता है ना बहुत ही टफ और हंसाने वाला और हर चीज पे बातें मारने वाला तो कहीं ना कहीं उसकी कोई इमोशनल साइड भी तो होगी ना जहाँ से वो लिख रहा है जहाँ से वो कह रहे हैं बहुत बहुत उस पूरा पूरा एक जो है ना वो जर्नी होती है टू बी ऑनस्ट लाइक छोटा छोटा करके बताऊँगा कि हाँ मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी और hmm. अब मुझे फिर मुजम्मल लग रहा कि जैसे मैं <laughs> <laughs> मेरी, मेरी, करोला मेरी आ आ थी। मैं हाँ, में गया। मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर आता था, था उसके बाद फिर मैं 2009 मॉडल था हेलीकॉप्टर <laughs> नहीं लेकिन <laughs> और उसमें, तो उसमें उसमें ऑक्स लगानी पड़ती भी नहीं तो वो आ, उसको तो छोड़ दें मेरे में लेकिन हाँ मतलब यूनिवर्सिटी में जाना यूनिवर्सिटी में जा के पहले दो साल बड़ा मतलब वो था आ, बड़ा एक प्ले बॉय टाइप सा सीन होता था मेरा कि बड़ा भाई जी नहीं नहीं क्योंकि मॉडल कॉलेज में पढ़ा था अकेडमियों के अंदर भी कुछ नहीं होता था हाँ, तो पहले दो साल बड़ा ऑल बॉयज से आया था।, था मैं तो बड़ा स्टार्ट पढ़ जी बड़ा मुझे पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही आपका फेयर कलर हो तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है तो वहाँ मेरे कितना नूर है नूर तो रिस्पेक्ट मिलती है आपको बहुत ज़्यादा और तो वो दो साल थे उसके बाद फिर एक ट्रांजेशन आई मेरे अंदर मैं थोड़ा सा कट्टर सा रिलीजियस हो गया था फिर मैं उसकी एक उसकी वजह क्या बनी थी उसकी, उसकी ने दिल तोड़ा था नहीं या बस पढ़ाई थी और पढ़ाई करके मतलब मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ चला गया था लाइक वो जो इस वक्त बैंड है पाकिस्तान के अंदर उनके साथ करीब करीब चला गया था मैं और वहाँ वो, वो वाला टाइम गुजरा उसके बाद फिर वो ख़त्म हुआ फिर उस टाइम के बहुत ज़्यादा लोग मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मजाक उड़ाते थे और मैं अंदर अपने बस कहता नहीं 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 बस नहीं नहीं गुनाह मिलता है गुनाह मिलता है मैंने किसी को जवाब नहीं देना जवाब नहीं देना और जब लेकिन जब वो फ़ेस ख़त्म हुआ मेरा आहिस्ता आहिस्ता तो उसके बाद एक अंदर से आर्टिस्ट निकला कि नहीं अब तो मैं बताता हूँ अब स्टेज पर आके मैं सारों की मारूँगा और ये तो फलाना था तो वो साइड थी फिर आ, 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 फिर कुछ हाँ फिर आ, कुछ इमोशनल मसले हुए दिल टूटा सब कुछ <laughs> दिल टूटा फैमिली से कुछ अलीहदा हुआ मैं थोड़ा बहुत और उसके बाद जाके बहुत अरसा कुछ दो एक साल मैंने मैंनेलीहदा गुजारे और उसी दौरान मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू की फिर आ, देखता था कि हाँ भाई ये क्या मसले हैं जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मतलब मैं क्यों गुजरा हूँ इस सारी चीज के अंदर से मैं तो उसी तरह बड़ा ये चॉकलेट बॉय चल रहा था कि हाँ पढ़ाई भी सही कर रहा हूँ मेडल्स ही मिल रहे हैं सही और प्रोफाइल प्रोफाइल चल बोगे चल रहा रहा है चल है बॉय गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ग्रेड का ये वो फलाना लेकिन वो आंसर नहीं है कोई इन चीज़ों के अंदर अच्छा कोई रिश्ता है हर आर्टिस्ट का उसकी इमोशनल स्टोरी से लाइक जब आपने बताया कि आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे वेल यू वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस दे यू स्टार्ट डूंग स्टैंड अप कॉमेडी इन दो टाइम्स एज वेल सो आप अगर दो तीन और लोगों से भी मिलेंगे तो उनसे भी आपको इसी तरह की कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलेंगी कि आर्ट बाहर ही तब आता है जब दिल का कहीं से कुछ वॉल कोई गिरती है कोई खिड़की फटती है तो वहीं से आवाज़ आती है तो एक आर्टिस्ट जो है जो एक परफॉर्म परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है उससे वो असल में ऑडियंस से चाहता क्या है वो अपनी परफॉर्मेंस से निकालना क्या चाह रहा था उसे क्या सरूर और सुकून मिलता है उस बड़ा, प्रिफौर्मेंच बड़ा, प्रिफौर्मेंच प्रिफौर्में। बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा सवाल है इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा था एक टाइम पे आके जब वही मेरा वाला फेस चल रहा था तो आप एक तरह से कह रहे होते हो कि भाई मैं दुनिया से कट हो रहा हूँ और ये दुनिया चे है तो फलाना है तो फलाना और दूसरी तरफ से आप आर्ट क्रिएट करते हो और, और आप उन्हीं से वैलिडेशन मांग रहे होते हो ठीक है तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हो आप एक वैलिडेशन मांग रहे होते हो आप कह रहे होते हो कि हाँ यार ये मैंने किया है तो लोग के हाँ 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 कितना अच्छा काम किया मतलब वैलिडेशन ही मांग रहे होते हो बिल्कुल तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा सोचा मैंने कहा कि यार ये वैलिडेशन किन से लेनी है ये क्वेश्चन होना चाहिए एक आर्टिस्ट का ठीक है मेरे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई वीडियो पोस्ट की है मेरे थाउजेंड लाइक आए कभी आए तो नहीं लेकिन थाउजेंड लाइक आ गए थाउजेंड लाइक में से अगर मैं देखूं तो मुझे उन थाउजेंड लाइक like में से शायद वो चार पांच लाइक like जो है ना वो मुझे कहेंगे यार ये वाले जो लाइक्स हैं ना ये वाले लाइक्स मुझे वाकई अच्छे लगते हैं बाकी मेरे लिए 996, 995 किस के कोई मायने नहीं लगते hmm. तो अब बीइंग एन आर्टिस्ट ना आपको वैलिडेशन किन से लेनी है आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एक आर्टिस्ट हो और वैलिडेशन के लिए ना काम कर बिल्कुल ये अगर आप वैलिडेशन के लिए नहीं काम करें तो आप सोशल मीडिया के ऊपर ना होते आप अपना बहुत सारे ऐसे हम कहते हैं हाँ फलाना था उसके मरने के बाद बुक्स छपी तो उसके बाद वो फेमस हुआ बहुत सारे पेंटर्स थे ऐसे तो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपना आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वैलिडेशन ही चाह रहे हैं आपसे तो वैलिडेशन आप लेनी और उसको आपको हैप्पीनेस मिलती है कि कनेक्शन मिलता है आपको कि अगर वो फलाना बंदा या फलाने लोग जो हैं वो ऐसा सोच रहे हैं बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप वर्बली या किसी के साथ बैठ के नहीं कर रहे होते वो आप जो अपने आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो और वो जब आगे वाला बंदा उससे कनेक्ट करता है तो वो आपको एक मिलता है वो आपको एक हैप्पीनेस मिलती है अच्छा yes. ये तो मैंने बात की नहीं yes, और उस बात के ऊपर उसने लाफ्टर दे दिया इस, इसने भी ऐसा सोचा होगा तो आर्ट आपको बेसिकली आप इस तरह प्रेजेंट करते हो अपना कि कनेक्शन हो सके तो बेसिकली आर्ट आपको कनेक्ट कर रहा होता है और वो कौन से किस्म का आर्ट है वो कौन से किस्म के लाइक्स हैं वो कौन से किस्म का कॉन्टेंट है जिससे आपको लगता है कि हाँ आप अपने सराउंड में वही लोग चाहते हो जिस तरह का आप सोच रहे होते हो और फिर आप उसके ऊपर बिल्ड करते हो फिर आप उसी फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग आपको जो आपके साथ नहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं। फिर क्वेश्चनज आते हैं कि अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ फिर आपके ऊपर कॉमेंट होता है आप गलत कर रहे हो ठीक कर रहे हो फिर आप सोच में जाते हो फिर आप एक फिलासफ़ी बनाते हो तो बेसिकली आपकी एक लाइफ की फिलासफ़ी है जो आप प्रजेंट कर रहे होते हो और आप वो देखते हो कि वो कितनी ज़्यादा रिलेट कर सक रही है किसी के साथ या नहीं कर सकती तो एक ये इवॉल्विंग प्रोसेस होता है आर्टिस्ट कभी भी रुकता नहीं है uh -huh. जॉब वाली चीज़ मैंने जॉब रिज़ाइन किया लास्ट ईयर और इसकी रीज़न यही थी कि मतलब वन ऑफ द रीज़न कि हाँ मतलब मेरा आर्ट वाली साइड जो है थोड़ी बहुत रुक रही थी प्लस आ, मतलब ट्रैवलिंग के अंदर मेरा मसला था बहुत सारे मसले थे उसके अंदर तो वो चीज़ के अब मुझे पता है कि हाँ भाई मैंने इस लेवल के ऊपर कनेक्ट कर लिया है पाकिस्तानियों से फॉर एग्जांपल अब मुझे इस आर्ट को देखना है कि हाँ भाई मैं और कितने क्रॉस कल्चर्स के साथ जाके इस आर्ट को कनेक्ट कर सकता हूँ क्या ये वाकई यूनिवर्सल है तो एक तरह का आप क्वेश्चंस लेके निकलते हो फिर आपको ढस पड़ती है फिर आप रुकते हो फिर आप री करते हो अपने आप को अपने कॉन्टेंट को फिर दोबारा से कुछ लेकर जाते हो तो ये एक वॉली प्रोसेस जिसमें आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो कि मैं अपने आप को फ़ाइंड आउट कर रहा हूँ <laughs> कि अपना एक फाइंड आउट करने का आपका प्रोसेस है कि मैंने भाई किस लेवल पे जाके जो कभी भी नहीं मिलेगा मुझे पता है वो निर्वाणा नहीं मिलता लेकिन वही मैं आ उस दिन वो उसताद जकििर जो है तबले वाले उनकी वीडियो देख रहा था वो कहते हैं कि मैंने अपना गोल रखना छोड़ दिया बस यंग थे तो कहते हैं मैंने गोल रखना छोड़ दिया कि पहले मेरा गोल था कि फलाने के साथ बजाऊंगा फिर मेरा गोल था फलाने के साथ बजाऊंगा फिर मेरा गोल था, था फलाने के साथ बजाऊंगा वो जब बजाता था मैं कहता अब मैं क्या करूं तो वो जब आते हैं ना एक्सीलेंस की तरफ आप जाते हो कि यार ये मेरा एक रास्ता है मैंने इसके ऊपर जाना है लाइफ कोई इवन मैराथन भी नहीं है कि आपने आहिता आिता लाइफ एक क्रूज़ है कि आप जहाँ मर्ज़ी भी गाड़ी चला रहे हो आपसे हमेशा कोई ना कोई आगे हो कोई ना कोई पीछे होगा आप एक रोड क्रॉस करते बड़े टॉप हो गए जैसे आप लेफ्ट मोड़ोगे आपको एक और गाड़ी नजर जाएगी जो आपसे आगे होगी तो आपने कभी भी जो है वो ये नहीं करना कि अच्छा वो मेरे से आगे आ गया या मैंने उसके साथ जाना आपका एक अपना पैसेज है आपकी अपनी एक लाइफ गुजरी आपने उस लाइफ के अंदर से जो आपने चीज़ें ले ली हैं आपने उसको एब्जॉर्ब करना है आपने उसको ले अपने आर्ट के अंदर एम्बेट करना है और यही खूबसूरती और ये नोवेल्टी लेके आती है आर्टिस्ट के अंदर कि वो नोवेलिटी आपने अपने आर्ट के अंदर कैसे प्रेजेंट करनी है जिसके ऊपर जाके आगे वाले लोग जो हैं वो से कनेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा दैट थिंग बिकॉज नॉर्मली लोगों को अंदाजा नहीं होता कि एक आर्टिस्ट इस नसल में कितना डीप है मैं तो समझता हूँ कि आर्टिस्ट सेंसिटिव तो होते ही हैं इंटेलेक्चुअल भी बहुत होते हैं उनको बस मौका नहीं मिलता अपनी इंटेलेक्ट दिखाने के लिए काश हम इस मुल्क के भी वजी अजम बन सकते तो हम काफ़ी कुछ बेहतर कर देते सो so, एक अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन शायद काफ़ी लोग पूछना भी चाह रहे हो कि ये राउड़ी डू की दाढ़ी का क्या राज है दाढ़ी <laughs> ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए था आप <laughs> ये काट के हम पहले लगा देंगे <laughs> यार दाढ़ी की बड़ी मजे की स्टोरी है मैं मास्टर्स कर रहा था तो मास्टर्स में मेरा फाइनल का थीसिस है तो मैं जितनी मैंने पढ़ाई की है ना मैंने हमेशा ही मतलब लास्ट एक दो चार दिन के अंदर करता होता था थीसिस जो था वो मुश्किल था प्यास यूनिवर्सिटी मतलब बहुत टफ टाइम देती है वो आपको तो लास्ट को एक डेढ़ महीना रह गया था और मैंने थीसिस को हाथ भी नहीं लगाया था तो मैंने मैं हॉस्टल चला गया और मैंने कहा कि बस अब सिर्फ थीसिस के ऊपर काम करना है और मैं वो थीसिस निकालूंगा और डेढ़ महीना जो है मैंने पालों की तरह काम किया और डेढ़ महीने बाद मेरी तुम्हारी से थोड़ी सी ज़्यादा दाढ़ी निकल गई होगी ठीक है तुम्हारी क्यों सी निकली <laughs> <laughs> मैंने तो भी निकलने दी नहीं, नहीं है पकड़ के कर <laughs> तो हाँ मेरी तो वो बड़े लोगों ने कहा बड़ी अच्छी दाढ़ी लग रही है मेरी तो मतलब मैंने खुद नहीं निकाली थी मतलब निकल गई थी और मजे की बात ये थी कि मतलब ईजी काम हो गया था मेरे लिए मतलब हर कोई दो हफ्ते बाद नाई के पास जाए और नाई के पास जाके कहे कि ये करो फलाना करो ये करो बस चल रही है तो जा तो जाने दो कहते ना पूछते हैं कि आप दाढ़ी कैसे बनाई मैं दाढ़ी काटने में मसला होता है दाढ़ी रखने में मसला नहीं होता ठीक है छो जा रही है जा रही है जाने दो उसको ठीक है फिर लेकिन उसके बाद कुछ एक लेवल ऊपर आया फिर ऑयल शॉयल लगाने शुरू किए ग्रूमिंग की हाँ फिर ग्रूमिंग की बहुत सारे दाढ़ी योर नेक्स्ट दाढ़ी मुछ चलो मैं उनके लिए एक शूट कर चुका हूं। <laughs> लेकिन मैंने दाढ़ी इस्तेमाल नहीं की थी <laughs> अगर <में ना। laughs> मैंने दाढ़ी एक दफा मंगवाया था और दाढ़ी लगाया था मैंने लेकिन उनकी इतनी सी बोतल होती है वो दाढ़ी मेरी दो दफा में खत्म हो जाती <laughs> तो, <laughs> <laughs> तो मैंने अपना एक ऑयल बनाया मेरे ख्याल में एक शॉट तो ये होना चाहिए था कि वो टप में आप यूं भिल्कुर, भिल्कुर, भिल्कुर। टप अच्छा हो दाढ़ी पहले करते बाहर निकाल बिल्कुल हाँ मैं आपको बेच सकता हूँ मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ अभी इनशा तो उसके बाद जो है हाँ तो वो मैंने करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर करेक्टर बन गया मेरा फिर हाउडी के अंदर आ गया और फिर आ, बहुत ही यूनिक बने बनेप्ट कौन लिखता है इसके स्क्रिप्ट मैं और हम प्रोडक्शन से मिलके लिखते हैं बिकॉज दे आर रियली गुड गुड नाइस मिल के हम लोग लिखते होते हैं मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो आ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है तो हम उसी दिन बैठ के जब तैयार से रोके आया हुआ तो, तो उसी वक्त हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं उसका और स्क्रिप्ट लिख के हम लोग सो नानी एक क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टैंड कॉमेडियंस हैं या यू नो फन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी जो इंटीग्रेशन इंडस्ट्री में वो किस तरह से हो सकती है वाट यू थिंक बिकॉज अगर आप इंडिया में देखो तो दे आर यूजिंग दैम इन फिल्म नाउ इन सीजन नाउ एज एन एक्टर एज वेल एज यू नो सिंगर एज वेल एज राइटर्ज एज वेल आई थिंक आई टोल्ड यू के आई वॉन्ट टू यू यूज यू गाइज इन माई सीजन ड्रॉप आउट्स एज वेल जस में एक प्रॉपर सीन है बिकॉज वन वन ऑफ द करेक्टर्स वॉन्ट्स टू बी बिकम्स अ बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन तो यहाँ पर क्या सीन है आपको क्या लगता है कि किस तरह से इंटीग्रेशन हो सकती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर टू बी ऑनेस्ट लाइक जो भी न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं सबसे पहले तो अपने कॉन्टेंट के ऊपर काम करें ठीक है अब इट्स रियली इजी बहुत सारे मतलब आ, आ, क्या नाम है उसका गाय यार मुझे बहुत पसंद है वो जो सिर्फ कैमरे के सामने लेके वीडियोस बना बना रहे आजकल बहुत जो नहीं पाकिस्तानी पाकिस्तानी बॉय है नहीं, 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 पाकिसानी, पाकिसानी चलो नाम भूल गया एनी मतलब बहुत सारे जो कि मतलब अब आपके पास कॉन्टेंट है आपके पास कैमराज है, आपके की है। नहीं, नहीं, देर से अच्छा तो वो शहजाद शहजाद हाँ, 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 हाँ। हाँ। नहीं बोलते गंदी बात होती होती है गंदी बात शहजाद शो जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं उससे मतलब ही नहीं लाइक 2000 3000 काम और उसकी वो जो थ्यूरी ऑफ एवरीथिंग चाय चाय के ऊपर जो उसकी एक थ्यूरी है फिलोसॉफिकली मुझे बड़ा साउंड बंदा लगता है वो और उस बंदे के एग्जाम्पल है कि यार बनाया बस आ रहा दिमाग में तो बस डालो भाई जो वो सारे सवाल जो वो कर रहा होता है वो हम सारों ने सोचा हुआ होता है बट किसी ने किसी ने हिम्मत नहीं की कि वह यार ऐसे चुस्त दिमाग के अंदर सवाल आ गया इसको इसकी वीडियो बन जाएगी इसकी वीडियो बन जाएगी तो आप लोग जितने भी है जो कुछ दिमाग में आ रहा है कॉन्टेंट बनाना शुरू करेंगे स्टैंड अप के ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले स्टैंड अप के ऊपर अपने आप को फाइंड आउट करो कि हाँ भाई मेरा ये स्ट्रांग है और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है ये हो ही नहीं सकता कि एक इंसान है और वो स्पेशली पाकिस्तानी है और इसकी ज़िंदगी में कॉमेडी ना हुई हो हर बंदे को मुझे ला के दो तुम लाइफ और मैं उसकी लाइफ के अंदर से कॉमेडी निकाल के दूंगा कि हाँ भाई निकलती है आपके अंदर से आपने क्या स्ट्रगल्स किए हैं आपके पेरेंट्स कैसे थे आपका रिलेशनशिप कैसा था उसको लिखना शुरू करो उसके बाद कुछ रूल्स हैं कुछ बुक्स वगैरह हैं वो बुक्स पढ़ें आप तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ तो जब आपके पास कंटेंट अच्छा होना शुरू हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद फिर आप कॉमेडी स्क्वायर पाकिस्तान ज्वाइन करें लेकिन नहीं देर सो जस्ट ऑन द एंडिंग नोट वट वर द फ्यूचर प्रोजेक्ट न्यू कॉन्टेंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्राम यू एंड अभी हाँ अभी हम लोग रिसेंटली अभी कर रहे हैं अभी रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ अभी हम पी एस एल के ऊपर एक शो कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर मीम के नाम से और उसमें हम पी एस एल के ऊपर क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं फिर उसके बाद हमारे स्टैंड अप शोज़ मोशोली नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे दोबारा उनकी रिकॉर्डिंग करनी है फिर उसके बाद मैं जो हूँ वो हाउडी के अंदर कुछ करेक्टर्स हैं वो और लेके आ रहे हैं फिर अब मेरा है कि थोड़ा बहुत ड्रामों की तरफ हल्का फुल्का कोशिश करें लेकिन वो वाले ड्रामे में ढूंढ रहा हूँ मतलब नॉट लाइक like टिपिकल हम ड्रामा टाइप mm. या फिर के ड्रामे करने के लिए कोई अपना एक प्रोडक्शन हाउस अपने कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाना तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग तो ये देज़ अलॉट इनशल एंड वी when the next show we can expect from you guys or for the digital platforms like if you want to share your youtube or something yeah please abhi tak video instagram ke where we can follow you on instagram or youtube yeah instagram hai hanan gilani aur youtube bhi hanan gilani aur tiktok pe finally aa gaya hu jo ke mistake ki thi maine hi तो uh, और साथ जो है जो म्यूज़िक बैंड है वो है मलंगानधी बैंड इंस्टाग्राम के ऊपर यूट्यूब के ऊपर और कॉमेडी स्क्वायर पाकिस्तान जो हमारा प्लेटफॉर्म है तो आप लोग जितने लोग उनको लगता है कि कॉमेडी के अंदर वो आ सकते हैं और दे कैन राइट स्टफ तो ज़रूर हमें कॉन्टेक्ट करेंटाग्राम के ऊपर फेसबुक के ऊपर थैंक यू सो मच Uh, some stand-up comedy shows as well. We are planning to record them and you will have the pleasure to see this amazing guy performing. So I'm uh, I'm also excited for that. So thank you so much. I have a great day. I'll be with feedback. share comment section. And also don't forget to subscribe and share because that's why we make the videos. <laughs> okay.